हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल अमीर बर्ड डाइवरी में। आज जो है मैं अपने कोकाटेल के जो चिक्स निकले थे उस सेल्फ पर आने के बाद सेपरेट करने वाला हूं। सेपरेट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोकाटेल के चिक्स जब ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आ जाते हैं तो मैं जो है एक 15 या 20 दिन के बाद बच्चों को जो है सेपरेट कर देता हूं, क्योंकि पैर जो है वापस मेटिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से चिक्स जो हैं बॉक्स के अंदर भी जाते रहते हैं, उसकी वजह से एक जो है डैमेज हो जाते हैं बहुत बार। उसकी वजह से मैं 15 दिन के बाद जो है चिक्स को पूरा सेपरेट कर देता हूं। और सेपरेट करते वक्त मैं सेपरेट करने से पहले एक 4-5 दिन जो है ऑब्ज़र्वेशन करता हूं, यानी हर एक चिक्स सेल्फ फीड पर आया है या नहीं। अगर प्रॉपर पूरे चिक्स जो हैं सेल पर आ चुके होंगे तो मैंने सेपरेट कर देता हूं पैर से। और जब बॉक्स से बाहर आ जाते हैं चिक्स तो मैं सॉफ्ट फूड ज़्यादातर देता हूं उन्हें, क्योंकि सीड वगैरह उतना अच्छी तरह से खाते नहीं हैं वो बच्चे चिक्स वगैरह। उसकी वजह से सॉफ्ट फूड जो है मैं 2 बार देता हूँ उन्हें। अभी जो आपको ये सामने दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे चिक्स ही हैं। इस पैर के टोटल ये 5 चिक्स थे, उसमें से ये फर्स्ट वाला है, ये सामने जो है ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, उसके बाद ये स्टिक पे बैठा हुआ 4th, और ये बॉक्स के ऊपर जो है 5th। टोटल 5 चिक्स निकले थे। और सेपरेट करने से पहले ही पैर ने जो है एक लेइंग की है, वो भी आपको ब्रीडिंग अपडेट देता हूँ उसका। ये अभी बाहर आ चुका है, वो मेल है। पैर की जो है वापस से क्लच अभी स्टार्ट हो गया इस पैर का। और इस टाइम जो है मेरे पास कोकाटेल में चिक्स जो हैं फर्स्ट टाइम बहुत क्वांटिटी के अंदर चिक्स निकले हैं, जैसे कि इस वाली पैर के जो हैं 5 चिक्स हो गए, उसके बाद ये वाली पैर के जो हैं 3 चिक्स हैं। ये फर्स्ट जो है ग्रे कलर फॉन में, उसके बाद ये पाइड का जो है ये एक है और ये फॉन एक। और चिक्स सेपरेट करते वक्त जो है मैं, यानी जैसे ये लुटिनो की पैर हो गई मेरी, मैंने डायरी एक बनाई है जिसके अंदर जो है जिस पैर के चिक्स निकलते हैं उनकी डेट लिखता हूँ, उसी के साथ में उनका रिंग नंबर भी लिख देता हूँ मैं, यानी किस वक्त कौन से चिक्स निकले थे। उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है, बर्ड के जितने भी क्लज निकलते हैं मेरे पास उनका मेरे पास टोटल मतलब कितने चिक्स निकले हैं क्वांटिटी रहता है, यानी पूरे सीज़न के अंदर टोटल कितने पीस निकले, उसके साथ में जो है मैं किसी भी अगर पैर वगैरह सेल करता हूँ तो कभी भी सिबलिंग जो कहते हैं यानी एक ही पेरेंट्स के जो चिक्स होते हैं वो किसी भी मैं नहीं देता। क्योंकि होता कैसे है, अगर हम प्रॉपर रजिस्टर वगैरह या फिर लिख के नहीं रखते हैं तो बर्ड में हमें जल्दी समझ में नहीं आता एक पैर के ही हैं ये चिक्स, हर एक का रिंग नंबर वगैरह लिख कर रखता हूँ। उसकी वजह से बर्ड की प्रॉपर एज का भी नॉलेज हो जाता है और कुछ सिबलिंग की पैर भी नहीं जाती। उसके बाद और एक केज के अंदर जो है 3 चिक्स हैं, वो भी प्रॉपर सेल पर आ चुके हैं। चिक्स को सेपरेट करने के बाद जो है हमें 2-3 दिन जो है ऑब्जर्वेशन करना है चिक्स का, कि चिक्स जो है प्रॉपर तरीके से फीडिंग ले रहे हैं या नहीं,
और एक दो दिन जो है बर्ड यानी चिक्स सेपरेट करने के बाद जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, थोड़ा शांति बैठता है स्टिक के ऊपर वगैरह। उस टाइम जो है मैं थोड़ा उन्हें एम्बीप्लेक्स देता हूँ मेडिसिन, उसकी वजह से उनका स्ट्रेस भी कम होता है और बर्ड यानी वीक भी नहीं होता, बर्ड फिट भी रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं, पूरे वीडियो को देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक मुझे कमेंट आया था कि चिक्स के अंदर जो है हम मेल फीमेल किस तरह पहचान सकते हैं। चिक्स के अंदर थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन लुटिनों के अंदर जो है मैं अपने हिसाब से चेक करके देता हूँ, 90% जो है वो काम करता है ट्रिक, यानी बर्ड के जो फेदर हैं फ्लाइंग फेदर, उसके जो एकदम एंडिंग वाले फेदर होते हैं आखिरी यानी अंदर वाले, उसके अंदर जो स्टार्टिंग के 3 फेदर होते हैं उन्हें अगर स्पॉट होगा तो वो फीमेल होती है, अगर क्लियर होंगे तो फीमेल होती है वो, यानी क्लियर होगा तो मेल होगा। आपको मैं फ़ोटो भी इसके अंदर डाल देता हूँ वीडियो के अंदर। चिक्स की क्वालिटी आपको कैसे लगी, हेल्दी हैं या नहीं, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए।